हेलो दोस्तों, प्रेमराज ब्लॉग्स में आज आप लोग देखने वाले हैं कि हम लोग आरा से निकल चुके हैं और लद्दाख के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हम लोग को फोर लेन दिखा जो कि बहुत ही सुविधाजनक हो गया लोगों के लिए। आप जब भी यहां से गुजरेंगे, बक्सर जाने में जो आपको 3 घंटा का टाइम लगता था, अब वो टाइम आपको बहुत ही कम लगने वाला है। 1 से 1.5 घंटा में आप देख पा रहे होंगे पूरा इधर दोनों तरफ लाइन बन के रेडी हो चुका है। 1 से 1.5 घंटा में आप बक्सर पहुँच जाते हैं। तो बने रही हमारे साथ, लेकर के चलते हैं आपको लद्दाख तक का सफर पूरा दिखाएंगे और देखते हैं कि हम लोग का स्टॉपेज कहाँ पे होता है आज। तो चलिए दोस्तों, बने रही हमारे साथ और इस रास्ते को भी दिखाते हुए ले चलेंगे। देखिए गाड़ी एकदम खराटे भरते हुए निकल रही इधर से कंटिन्यू। पहले ये रास्ता इतना नहीं था और आप यहाँ से जब निकलेंगे तो सीधा ये रोड जो है आरा को कटते हुए ये बामपाली है। बामपाली के पास खड़े हम लोग। बामपाली एक जगह है, यहाँ से आगे कायम नगर की ओर निकल जाता है और कायम नगर से होकर के ये जा करके स्टॉप हो जाता है। वो मैं फिर कभी आप लोगों को दिखाऊंगा। बिहटा से थोड़ा सा पहले और कोइलवर के बीचों बीच ये जो है फोर लेन ख़त्म हो जाता है। अभी टोल वगैरह का इस पर काम नहीं हुआ है, वो भी मैं किसी दिन आपको ले करके चलूँगा पटना साइड में तो दिखाऊँगा। तो चलिए लेकर के चलते आगे और दिखाते हैं कि कहाँ तक काम कम्प्लीट हुआ है और कितना टाइम हम लोग को लगता है बक्सर तक जाने में। चलिए देख पा रहे दोस्तों, अभी हम लोग हैं फोर लेन पे और हमारी गाड़ी चल रही है और इस रोड में आपको सीएनजी भी मिल जाएगा। सीएनजी का भी सुविधा दे दिया गया है, होटल वगैरह मिलेंगे। ठंड बहुत है लेकिन लोगों को काम है, अपना बाइक से भी चल रहे हैं, देख ही रहे हैं। और यहाँ पे ठीक हमारे दाहिने साइड में माउंट लिट्रा स्कूल है जो कि आरा के सटे हुए हैं। यहीं से अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखिए हम लोग का थोड़ा सा फॉग ज़्यादा है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और बहुत ज़बरदस्त हो गया दोस्तों। 1.5 घंटा के अंदर आप बक्सर पहुंच जाते हैं इस रोड के माध्यम से, आरा से अगर आप निकलते हैं तो। और पटना से भी चलते हैं तो पटना का जो ये रोड है, पटना पूरा पटना तक नहीं बन पाया, ये बना है कोइलवर और बिहटा के बीचों बीच ही जाके ये रास्ता जो है ख़त्म हो जाता है फोर लेन। आगे पता नहीं किस कारणवश नहीं बन पाया है, लेकिन होना चाहिए था आगे तक ये रोड, लेकिन आगे तक ये रोड है नहीं। तो वहाँ से जब आप चढ़ते हैं तो बक्सर तक आ पाते हैं और बक्सर से जब दाहिने आप कटेंगे गाज़ीपुर वाले रोड में, बलिया वाले रोड में, तो वहाँ से जा करके फिर आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे और उसके बाद आप सीधा दिल्ली लखनऊ होते हुए आगरा होते हुए निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो हम लोग वही रास्ता पकड़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी अपडेट देंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कितना काम हो चुका है। तो बस हमारे साथ बने रहिए और जहाँ तक चलेंगे आपको 1 बाय 1 अपडेट देते चले जाएंगे। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ऐसे वीडियो को देखते रहें हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो चलिए लेकर के चलते हैं आपको। देख पा रहे दोस्तों चारों तरफ जो है अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गया है और गाड़ी हम लोग की धीरे धीरे चल रही है। रोड बहुत बढ़िया हो गया है, हम थोड़ा सा दे रखे हैं एडवाइस कि भाई आराम से गाड़ी चलाइए, इसलिए कि रात का समय है, सेफ्टी फर्स्ट। और आगे से आने वाली गाड़ियों का लाइट भी जल रहा है, देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, क्लियर दिख नहीं पा रहा है लेकिन यहाँ से हमको भी नहीं दिखाई दे रहा है। गाजीपुर लिखा हुआ है क्या, 82 किलोमीटर। तो चलिए, रानी सागर 2 किलोमीटर था, ब्रह्मपुर वगैरह का बोर्ड लगा हुआ था वो। और अब हम लोग फाइनली लगभग, देखिए पेट्रोल पंप यहाँ पे बगल में दिख रहा है आपको, यहाँ सीएनजी भी मिल जाएगा। देखिए हम लोग आ चुके हैं हरी किशनपुर और इसके आगे आपका बक्सर चरमुहान है। थोड़ी देर के बाद हम लोग बक्सर चरमुहान के पास पहुँचेंगे और वहाँ से हम लोग दाहिने कटेंगे। तो देख पा रहे दोस्तों यही है फोर लेन जो बन के कम्प्लीट हो गया है। आगे आप देख पा रहे होंगे मंदिर एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, उसी मंदिर से हम लोग दाहिने कटेंगे फोर, यहाँ से आपको गाजीपुर साइड में। तो यही अपडेट है दोस्तों यहाँ का। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि फोर लेन में आप जब भी आएंगे तो असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हमारे अपडेट से
लोग ये सब जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी कि फोर लेन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो आप आइए फराटे भरते हुए गाड़ी लेकर के अपना और आइए पटना से बक्सर आगे जाइए, फोर लेन पकड़ के निकल जाइए, लगा दिल्ली तक जाइए। देख पा रहे दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं बक्सर, देख पा रहे होंगे सामने यहाँ बक्सर का बोर्ड लगा हुआ है और 1 किलोमीटर यहाँ से बक्सर बचा हुआ है, बलिया जो है 38 किलोमीटर और भरौली 3 किलोमीटर। तो हम लोग निकलेंगे उस पार जाएंगे और देख पा रहे रोड जो है बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब देखिए हल्ला करते हुए लोग जा रहे हैं, काम उम कर लिए हैं लोग इसीलिए, और बक्सर का रोड जो है बन का कंप्लीट हो गया। बहुत ही लोगों को यहाँ पे खुशी भी है, इस बात का दिन होता तो मैं बात कराता यहाँ के लोगों से कि फोर लेन बनने के बाद उन लोगों को कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन रात की वजह टाइम है, अभी रात का समय है इसलिए मैं इनसे बातें नहीं करा पा रहा हूँ। तो देख पा रहे हैं आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और ऐसे ऐसे वीडियो से जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।